देख सकते हैं कि मेरे दोनों दोस्त यहाँ पे कस्टम मैच कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको ऑब्जर्विंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं मज़ा कितना मज़ा आता है, देखते हैं इनके मैच में। और यहाँ पे अक्षत तो ऊपर है और सात्विक नीचे किंगफिशर के साथ, और ये पहला डैमेज लगा अक्षत को। और यहाँ पे अक्षत भागते हुए और यहाँ पे अक्षत छुप रहा है और यहाँ पे सात्विक इसको ढूंढ रहा है। वाह, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अक्षत तो ऊपर चढ़ चुका है और यहाँ पे सात्विक इसको नीचे ढूंढ रहा है। वाह, व्हाट अ मैच। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये मैच तो अगले साल ही खत्म होएगा लगता है। लगता है सात्विक ऊपर जाने से डर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे बाहर ही बैठा है, अक्षत के नीचे आने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ अक्षत भी नीचे आ चुका है, देखते हैं अब क्या होता है। और यहाँ जोन बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो चुका है, अब देखते हैं कौन लास्ट में बचता है। और ये देखिए यहाँ पे तो सात्विक फर्स्ट राउंड हार चुका है, अक्षत फर्स्ट राउंड जीत चुका है। और ये यहाँ पे बारी है सेकंड राउंड की। और यहाँ पे सात्विक ने इस राउंड में लिया यूएमपी और अक्षत ने यहाँ पे अक्षत के पास है किंगफिशर और AWM। और यहाँ पे फर्स्ट डायमंड मिल चुका है अक्षत को इस राउंड का। और यहाँ पे साथिंग ने अपनी स्काइलर की स्किल का यूज करके अक्षत के ग्लो वॉल को तोड़ दिया है। और यहाँ पे अक्षत पूरी ग्लो वॉल की वॉल लगा करके उसमें बैठ करके हील कर रहे हैं। और यहाँ पे अक्षत ने सात्विक को 150 का डैमेज दिया स्नाइपर का। और ये इस वक्त एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि कौन कहाँ है। लगता है अभी एक दूसरे को देख ही ले गए। और यहाँ पे सात्विक ने डैमेज दिया है तगड़ा वाला अक्षत को एक हेडशॉट के साथ 99 HP का। और यहाँ पे सात्विक ने अपना फर्स्ट राउंड जीत लिया है। तो इस राउंड में फिर से सात्विक ने UMP ही लिए एक, और साथ में एक MAG-7। और अक्षत ने इस राउंड में लिए UMP। और यहाँ पे सात्विक अपना इमोट दिखाते हुए, और ये क्या अक्षत यहाँ पे कोने में जाके बैठ गया। और यहाँ पे सात्विक लगता है ढूंढते ढूंढते अक्षत
ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ ही जाएगा और आखिरकार उसको मार देगा। बस थोड़ा अंदर और यहाँ पे बहुत ही गलत गंदी तरीके से हार चुका है अक्षत। तो सात्विक ने इस राउंड में भी वही गन लिया है, UMP और M87, और अक्षत ने इस राउंड के लिए लिया है M187। देखते हैं इस राउंड में क्या होएगा। और यहाँ पे फर्स्ट डायमंड मिल चुका है अक्षत को। मेरे को लगता है ये राउंड सात्विक जीतेगा क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज गन भी है, पर अक्षत के पास सिर्फ M887 है। और M187 के जवाब के लिए सात्विक के पास M87 है, यानी अभी मुकाबला थोड़ा सात्विक की तरफ झुकता हुआ। और ये अक्षत को एक और डायमंड मिल गया और वो हील करते हुए। और यहाँ पे सात्विक ने अपनी स्काइलर वाली स्किल का यूज़ करके अक्षत की ग्लो वॉल को तोड़ दिया है। यहाँ पे मुकाबला कड़ाकड़ी का दिख रहा है होता हुआ। और यहाँ पे लगता है अभी इस वक्त लुका छुपी चल रही है। और यहाँ पे ये थर्ड राउंड भी जीत लिया सात्विक ने। और इस राउंड में भी पिछले राउंड की तरह सात्विक के पास वही गन्स है और अक्षत के पास है M187 और M500। लगता है फिर ये अपनी पिछली हार राउंड की हार का सबक अभी तक सीखे नहीं है कि लॉन्ग रेंज की गन रखनी चाहिए। पर इनके पास इतने पैसे कहाँ है इस राउंड में। और यहाँ पे सात्विक के पास ये देखिए, ये तो अंबानी जी है और ये क्या बन सके है। और यहाँ पे अक्षत ने बेफालतू की ग्लोबल आके अपनी प्रेजेंस का बता दिया कि वो यहाँ पे ही छुपा हुआ है सात्विक को। और ये सात्विक का गलत निशाना स्काइलर स्किल का। और ये देखिए यहाँ पे बीच मैच में इमोट दिखाते हुए, ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे फोर्थ राउंड भी जीत लिया है सात्विक ने, वो भी सिर्फ 13 HP पे। और इस राउंड में भी इस बार अक्षत ने लिया है G7 और M1 M10 और डेजर्ट एगल। सात्विक के पास वही गन्स है जो पिछले राउंड में थी। यहाँ पे सात्विक के पास अभी भी 8,900 गोल्ड रखा हुआ है कॉइन्स। और यहाँ पे अक्षत के पूरे खत्म हो चुके हैं। इस बार हम ज्यादा टाइम स्पेक्टेटिंग अक्षत को करेंगे ताकि देख सके कैसा खेलता है। लास्ट
लगता है यहाँ पे अक्षत का इरादा, अक्षत को लगा कि सात्विक यहाँ छुपके बैठा है, और सात्विक को लग रहा है कि अक्षत यहाँ छुपके बैठा है। दोनों एक दूसरे के स्पॉन पॉइंट पर चले चुके हैं, जा चुके हैं। और यहाँ पे इस राउंड का पहला डैमेज दे दिया है सात्विक ने अक्षत को एक हेडशॉट के साथ। पर अक्षत नहीं दे पाया इस राउंड का खुद का पहला डैमेज। एक जना इस तरफ से, एक जना उस तरफ, और यहाँ पे पहला डायमंड मिल चुका सात्विक को इस राउंड का। और यहाँ पे फिर से ये राउंड जीत लिया है सात्विक ने, बहुत ही बुरी तरीके से हारा अक्षत। और यहाँ पे सात्विक ने इस राउंड में लिए डेजर्ट ईगल, जो उसको अक्षत की लूट बॉक्स में मिल गई होगी, और UMP और MH7 पिछले राउंड की। और यहाँ अक्षत ने लिए UMP। देखते हैं क्या अक्षत इस राउंड में वापसी कर पाता है। उसने यहाँ पे एक डेजर्ट ईगल भी ले लिया है और अपने सारा कॉइन खत्म कर दिया है। और ये देखिए सात्विक के पास तो कितना सारा है। और यहाँ पे अक्षत पहले ही बहुत सारे ग्लोवर लगा के अपनी प्रेजेंस का बताना कि वो यहाँ छुपा है। और यहाँ पे पहला डैमेज दे दिया है अक्षत ने सात्विक को बहुत ही ज्यादा। इस राउंड में सात्विक को थोड़ा सा फायदा हो सकता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है और अक्षत नीचे की तरफ है। पर ये क्या, सात्विक तो यहाँ से भाग गया छुपके, क्योंकि जोन इधर आने वाला लास्ट, और अक्षत ऊपर है इस वक्त, पर उसे पता नहीं है कि सात्विक कहाँ पर है। और यहाँ पे सात्विक अक्षत को नीचे ढूंढ रहा है, और वहाँ पे अक्षत सात्विक को ऊपर ढूंढ रहा है। और यहाँ पे ये राउंड जीत लिया है अक्षत ने। और यहाँ पे इस राउंड में सात्विक ने लिए है M87 UMP और डेजर्ट ईगल। और यहाँ अक्षत ने एक M187 UMP और साथ में शायद से डेजर्ट ईगल भी लिए। और यहाँ पे सातवें इमोट दिखाते हुए खुले में, यहाँ अक्षत ऊपर आ रहा है और सात्विक नीचे जा रहा है। लगता है दोनों को पता नहीं है कि एक दूसरे के बारे में कि कौन कहाँ है, जो कि सिर्फ मेरे को ही पता है। और यहाँ चोर पुलिस का खेल चल रहा है इस वक्त। और लगता है अक्षत वो ऊपर चढ़ने वाली ट्रिक लगा रहा है, पर फर्स्ट ट्राई में नाकामयाब हुआ क्योंकि उसे एक और ग्लोवर लगानी चाहिए थी इसलिए।
और यहाँ सात्विक, और यहाँ अक्षत पूरे रूप को ग्लोवर लगा के बंद करके बैठा है, और ये बात सात्विक जान चुका है। और ये सही टाइम पे अक्षत ने ग्लोवर लगा ली और बच गया। इस वक्त इसके पास अच्छा एडवांटेज है अक्षत को मारने का, जोन से, जोन की मदद से, जोन की वजह से। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो, और यहाँ पे ये राउंड जीत चुका है अक्षत। और यहाँ पे इस राउंड में फिर से सात्विक ने ले लिया UMP। देखते ये राउंड और मैच कौन जीतेगा, सात्विक या अक्षत, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। और अगर आपने वीडियो का किसी अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में कमेंट कर देना कि आपको ये गेम प्ले कैसा लगा। लगता है ये राउंड स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, चालू होने से पहले ही, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। पर ये क्या, यहाँ सात्विक इधर से भाग रहा है, अक्षत उधर से भाग रहा है, और यहाँ पे लगता है मैच खत्म होने वाला है। और यहाँ पे सात्विक को पता ही नहीं है कि अक्षत उसके पीछे ही बैठा है। और यहाँ पे सात्विक ने वही वाली ट्रिक लगा ली, पूरी ग्लो वॉल से पैक करके हील करने की। पर यहाँ अक्षत भी ग्लो वॉल को तोड़ने में लगा हुआ है। लगता है इसके पास ग्रेनेड नहीं है, इसलिए वो। और यहाँ सात्विक की HP बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि वो इस वक्त यूज़ कर रहा है UMP, और अक्षत यूज़ कर रहा है MG7। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा हेडशॉट मारा है अक्षत ने। देखते हैं इस राउंड को कौन जीतता है। लगता है ये राउंड, यहाँ पे इस राउंड को तो अक्षत ने जीत लिया है जोन की मदद से। और इस राउंड में अक्षत के पास पिछले राउंड वाली ही गन्स है, और इस राउंड में सात्विक ने लिया है एक AUG, और फिर से UMP, और फिर से वही गन्स पिछली बार वाली। और नहीं, यहाँ पे सात्विक ने AUG को रख के MG7 ले लिया है। लगता है ये पूछने वाला राउंड थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपन एरिया है। और यहाँ पे अक्षत ग्लो वॉल की पूरी वॉल लगा करके आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, और यह सात्विक भी सेम ट्रिक अपनाते हुए। और यहाँ पे सात्विक ने पहला डैमेज दे दिया इस राउंड का अक्षत को। और यहाँ पे देखते कौन जीतता है राउंड। और ये दोनों अब इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और यहाँ पे अक्षत के पास थोड़ा एडवांटेज है जोन का, क्योंकि इस वक्त जोन भी आ रहा है, और सात्विक की HP भी लो है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस राउंड को?
और यहाँ पे अक्षत जोन के बाहर रह गए, पर फिर भी यहाँ पे इक्वल हो चुका है पॉइंट 5-5 के साथ। ये राउंड भी अक्षत ने जीत लिया है। और यह सातवें ने इस बार इस राउंड में लिया, सातवें ने AUG और MAG7। और यहाँ पता नहीं आसमान में कौन सी उड़ती पंछी को देख रहे हैं, चिड़िया को। और यहाँ अक्षत ने स्टार्टिंग में एक ग्लोब वॉल लगा के बता दिया कि वो कहाँ है। और यहाँ पे सात्विक ने अपनी स्काइलर की स्किल का यूज करके अक्षत की ग्लोबल को तोड़ दिया है। और यहाँ पे अक्षत ने खुद का डिफेंस किया ग्लोबल लगा के। और यहाँ सात्विक फैंस के पीछे छुपा हुआ है, और वहाँ अक्षत ग्लोबल के पीछे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोबल लगाई है सात्विक ने खुद को बचाने के लिए। और ये वाला राउंड जीत लिया है सात्विक ने। अब देखते क्या सात्विक इसको 7-5 से जीत पाता है, या फिर ये राउंड भी अक्षत जीत जाएगा और 6-6 का इक्वल हो जाएगा मैच। यहाँ पर सात्विक के पास है मैच पॉइंट। यहाँ पर इस राउंड में अक्षत ने लिया है MAG7 M1887, और सात्विक के पास वही पिछले राउंड वाली AUG और MAG7। दोनों के पास ही MAG7 है। और यहाँ सात्विक की मोड दिखा रहा है बीच मैच में। और यहाँ पर सात्विक छुप के बैठ गया, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। और यहाँ पे लगता है अक्षत को सरप्राइज मिलेगा। और यहाँ पे ये मैच जीत लिया है सात्विक ने, और सरप्राइज मिला अक्षत दोस्तों। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।